अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम आपको टॉस की भी लेटेस्ट अपडेट बताएंगे, उसके साथ साथ जो भी प्रेजेंट लेटेस्ट एजुकेशन की न्यूज़ है वो भी हम आपको यहाँ पे आज की वीडियो में बताएंगे। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन काफ़ी आपको यहाँ पे आज की वीडियो में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को फैमिली को ज़रूर शेयर करिए। पहले हम टॉस से जो है आज की वीडियो का आगाज करते हैं। बहुत जने जो है हमारे YouTube चैनल पे टॉस के बारे में पूछते रहते हैं, काफ़ी लोग जो है YouTube पे सर्च करते रहते हैं टॉस के बारे में, तो किसी को जो है टॉस की रियल इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम होती है। लेकिन आप अगर ये वीडियो आज देख लेंगे तो आपको काफ़ी जो जितने भी डाउट्स होते थे टॉस से रिलेटेड, तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी से रिलेटेड, जो भी आप टेंथ पढ़ना चाह रहे हैं या इंटरमीडिएट करना चाह रहे हैं, तो वो डॉट आज की वीडियो के बाद आपको जो है ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले जो है आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आ जाते हैं टॉस के अपडेट के ऊपर। तो जो भी प्रीवियस ईयर के टेंथ का मेमो, लॉन्ग मेमो, शॉर्ट मेमो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए वेट कर रहे हैं उनको जो है अक्टूबर में मिल जाएगा। अक्टूबर की लास्ट एंडिंग में जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट और लॉन्ग मेमो मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है स्मॉल अपडेट बता दिया हूँ मैं प्रीवियस ईयर बैच के लिए। अब जो न्यू बैच है 2021 से 2022 को, ये साल अगर कोई टेंथ क्लास में टॉस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, डिस्टेंस से एडमिशन पढ़ना चाह रहे हैं, डिस्टेंस मोड यानी कि टॉस से पढ़ना चाह रहे हैं इंटरमीडिएट या टेंथ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पूरी डिटेल्स बताऊंगा। वीडियो को सुकून से समझने की कोशिश करिए। अगर आप टेंथ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं टॉस के लिए, तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। एडमिशन की फ़ीस 600 है, गवर्नमेंट फीस बता रहा हूँ। और अगर आप एक चेंज ऑफ सब्जेक्ट करना चाह रहे तो उसकी फीस 150 है। ठीक है, टोटल आपको यहाँ पे जो है 800 या 1000 के करीब लगेंगे अगर आप टेंथ क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे टॉस में। अगर आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाह रहे तो रजिस्ट्रेशन के 200 रुपीज़ लगेंगे, 5 सब्जेक्ट्स एडमिशन के 800 रुपीज़ लगेंगे और चेंज ऑफ सब्जेक्ट के 150 रुपीज़ लगेंगे। टोटल आपको जो है 1200 के अंदर आपका इंटरमीडिएट में एडमिशन हो जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन गवर्नमेंट फीस बता रहा हूँ एग्ज़ाम की। ठीक है, एग्ज़ाम की फ़ीस बता रहा हूँ ये। अब यहाँ पे हम टॉस के बारे में बात कर लिए। अब टॉस की एसएससी की जो एज लिमिट है वो 14 इयर्स है और इंटरमीडिएट में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे तो उसके लिए आपको 15 इयर्स एज लिमिट है मिनिमम। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप टॉस में टेंथ में एडमिशन लेना चाह रहे या इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाह रहे तो उसके लिए आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या नहीं तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अगर आप टेंथ में एडमिशन लेना चाह रहे तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रहना बहुत ज़रूरी है, या नहीं तो आपका 9th या 8th का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको जो है आधार कार्ड और फोटो के साथ जो है आपका 10th में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप इंटरमीडिएट टॉस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 10th क्लास का एसएससी का टॉस का बता दीजिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या लॉन्ग मेमो, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिए, आपको ये बात आपको समझ में आ गई है। अब देखिए, तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी जो है दो डिस्टेंस मोड से दो कैटेगरी वालों को जो है यहाँ पे ऑप्शन देता है, यानी कि दो कैटेगरी से आप इंटरमीडिएट कर सकते हैं टॉस से। कैटेगरी 1 होता है, कैटेगरी 2, ये डिस्टेंस मोड में यहाँ पे टॉस कंडक्ट किया जा रहा है। कैटेगरी 1 वालों को 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे इंटरमीडिएट में और कैटेगरी 2 वालों को 6 सब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है डिस्टेंस मोड, टॉस डिस्टेंस मोड, फर्स्ट कैटेगरी वालों को मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप ए में आप इंग्लिश मैंडेटरी होता है, इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश के साथ साथ आप तेलुगु ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं ग्रुप ए में। इंग्लिश का कोड जो है 302 है। नेक्स्ट ग्रुप बी की बात करें, अगर आप सीईसी पढ़ना चाह रहे हैं इंटरमीडिएट में तो वहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या ले सकते हैं आप 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री ले सकते हैं 315 कोड है उसका, ज्योग्राफी ले सकते हैं 316 कोड है, सिविक्स पॉलिटिकल साइंस जिसको बोलते हैं 317 कोड है, 318 इकोनॉमिक्स ले सकते हैं ये। ठीक है, ये इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ, ये 4 सब्जेक्ट हो गए, ये इंग्लिश जो है 5 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, टोटल 5 सब्जेक्ट आप कर सकते हैं। ग्रुप सी में आप कुछ भी मत लीजिए। अब नेक्स्ट ग्रुप आता है इंटरमीडिएट सेकेंड ग्रुप कैटेगरी वालों का जो है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, आप यहाँ पर जो है इंग्लिश ले सकते हैं क्योंकि इंग्लिश तो मैंडेटरी है, इंग्लिश तो रहेगी रहेगी। इंग्लिश के साथ साथ आपको अगर उर्दू मीडियम के हैं आप तो उर्दू ले सकते हैं, 306 कोड है उसका, या नहीं तो हिंदी मीडियम है तो हिंदी ले सकते हैं, 301 जो है हिंदी का कोड है। ग्रुप बी की अगर बात करें, आप साइंस लेना चाह रहे तो साइंस में आप फिजिक्स केमिस्ट्री 312 313 314 फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप ले सकते हैं।
और ग्रुप सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कैटेगरी बी बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ग्रुप सी में अगर हम बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये आप ले सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। मैं आपको यही बोलना चाह रहा था कि जो है टॉस के जो है 2 कैटेगरीज होते हैं, आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत जने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि गवर्नमेंट से ऑनलाइन फ़ीस बने या नहीं तो कोई स्कूल में जाके और फीस बने। देखिए, अगर आप स्कूल में जाके टॉस की फ़ीस बनते हैं, टॉस 10th को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपको 5 to 6,000 पे करके जो है आपको मटेरियल के साथ वो एडमिशन ले लेंगे, और आपको जो है आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और फोटो मांगेंगे, ये आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं कोई स्कूल में टॉस के, तो वहाँ पे आपको 6 to 8,000 बनना पड़ेगा, स्टडी मटेरियल दे दिए जाएगी वहाँ पे टॉस की, और आपका जो प्रूफ प्रूफ है क्वालिफिकेशन प्रूफ 10th का टॉस का वो देना पड़ेगा, फोटो देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, आपकी एडमिशन हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करने की कोशिश करें, अपना फ़ीस जो है ज़्यादा मत पे करिए उन लोग को, स्कूल वालों को आप ऑनलाइन फ़ीस पे कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको हॉल टिकट आ जाएगा, जब हॉल टिकट रिलीज़ होगा तो आपको सब ऑनलाइन यहाँ पे मिल जाएगा, सिर्फ आपको ट्यूशन सेपरेट करना पड़ेगा, ट्यूशन फ़ीस लगेगी, ट्यूशन की आपको सेपरेट दे के पढ़ना पड़ेगा कहीं पर भी। ठीक है, यानी तो आप घर में भी अच्छा पढ़ ले सकते हैं, टॉस वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो है मैं आपको टॉस के बारे में डिटेल्स बता दिया हूँ। ओके, तो यहाँ पे जितनी भी मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ ये सिर्फ टॉस स्टूडेंट्स के लिए थी। अब यहाँ पे हम जनरल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो लेटेस्ट न्यूज़ है यहाँ पे हम आपको उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात करेंगे, तेलंगाना 10th क्लास वालों की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो है स्कूल वालों को, प्रिंसिपल को जो है अपडेशन करना है SSC 2022 के जो भी 10th क्लास के बच्चे, लड़के लड़कियाँ हैं जो भी आपके स्कूल में पढ़े हैं, उनको जो है आपका ऑनलाइन एंटर करना है, उनका ऑनलाइन डाटा एंटर करना है, उनका आधार वेरिफिकेशन करना है, FA और SA के मार्क्स आपको जो है ऑनलाइन सबमिट करके जो है यहाँ पे KYC करके ऑनलाइन पहुँचाना है बोर्ड को। ठीक है, तो स्कूल मास्टर जो है अपडेट करना है SSC एग्ज़ाम्स 2021 के 10th के कैंडिडेट्स का, ये हो गया। और एक एक जो है डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन जो सेकेंड ईयर वालों कर रहे हैं उनका जो है हॉल टिकट रिलीज़ हो गया है। जो भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो टीचिंग का कोर्स होता है, वो अगर आप सेकेंड ईयर वाले हैं FLT PK, तो